स्टूडेंट, हम अपनी हिंदी क्लास में अगला समास पढ़ते हैं जिसको द्विगु समास कहते हैं। द्विगु भी अपभ्रंश भाषा का ही एक शब्द है। द्विगु समास में क्या होता है, इसमें पहला शब्द संख्यावाची होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है। इसके पदों में जो पहला पद है वो तो हमें संख्यावाची मिलेगा और उसके बाद का जो पद होगा वो प्रधान होगा। जैसे दोपहर यानी दूसरा पहर, चौराहा यानी कि चार राहों वाला, त्रिवेदी, करोड़पति, नवरत्न, दशानन, इन सभी के पहले पद में संख्यावाची है। दो का मतलब दो, चौराहे का मतलब चार, त्रिवेदी का मतलब तीन, करोड़ का मतलब करोड़ों में, नवरत्न का मतलब नौ, दशानन का मतलब दस। यानी इसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है और बाद का पद इसका प्रधान होता है। यही इस द्विगु समास की पहचान है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब ये द्विगु समास करना कैसे, देखो एग्जाम में ऐसे देगा, जैसे ये पद दिया है पंचमंडी, तो इसका मतलब पंच का मतलब पास, मंडी का मतलब ये है मंडी, पंचमंडी, ठीक है, मंडी यानी कि पांच मंडियों का समूह, जिसको क्या कहा गया, पंचमंडी। सप्ताह, सप्ताह का विग्रह कैसे करेंगे, सात दिनों का समूह। त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब तीन कोणों का समूह। दोपहर, दोपहर का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। पंजाब, पांच नदियों का समूह। ये जो पंजाब हमारा एक स्टेट है, इसको पंजाब नाम ऐसे नहीं दिया गया, ये पांच पांच पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ है और यहां से पांच नदियां निकलती है, इसका नाम पंजाब रखा गया। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। त्रिवेणी, त्रिवेणी किसको बोलते हैं, तीन नदियों का समूह, गंगा, यमुना, सरस्वती। सप्तद्वीप, सात द्वीपों का समूह। पंचवटी, पांच वट यानी पेड़ों का समूह। अत्रिदेव यानी तीन देवों का समूह। सभी में पहला पद क्या है, संख्यावाची है, और सभी में किसकी बात करते हैं, समूह की बात करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा तुम्हें, बहुत इजी है। अब ऐसे ही यहां पे वर्क दे रहा हूं, ये भी तुम्हें ऐसे ही करना है। जैसे चवन्नी, चवन्नी, चवन्नी को क्या बोलते हैं, चवन्नी को क्या बोलते हैं, चवन्नी को चार आनों का समूह। शताब्दी, शताब्दी 100 सालों का समूह। चौमासा, चौमासा किसको बोलते हैं, चार मासों का समूह। चौपाई, चार पायों का समूह। चतुर्भुज, चार जो चार भुजाओं वाला। दशानन, 10 सिरों वाला। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। करोड़पति, करोड़ों का समूह। लखपति, लाखों का समूह। पंचामृत, पांच अमृत का समूह। अष्टावक्र, आठ वक्रों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। इसी तरीके से सारा होमवर्क करेंगे। थैंक यू।